नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था का गिरता स्तर किसी से छुपा नहीं है। शासन प्रशासन गिरते स्तर को सुधारने हेतु भले ही पूर्ण रूप से जोर लगाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, परंतु जमीनी स्थिति चीख चीख कर बोल रही है कि लाखों रुपए वेतन पाने के बाद भी पदस्थ शिक्षक अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। ताजा मामला चाक घाट के शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां ठंड मौसम के बीच विद्यालय ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाने हेतु कुर्सी में बैठे शिक्षक का सोते हुए वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जबकि वीडियो में बच्चे अपनी मस्ती में मस्त नजर आ रहे हैं। यह वीडियो गुरुवार दोपहर का बताया जा रहा है, लेकिन शिक्षक की पहचान नहीं हो पाई है। यह तस्वीर विद्यालय की लचर व्यवस्थाओं को प्रमाण दे रही है। वहीं इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जानकारी मिली है, जिस पर जांच की जा रही है। संबंधित मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा जगत में इस खबर से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है, जहां विभाग के अधिकारियों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला कलेक्टर द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर एक पहल की जा रही है। आइए सुनाते हैं जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल को इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली है कि चाक घाट के किसी विद्यालय में जो प्रथम दृष्टया वीडियो देखने में आ रहा है, उसमें शिक्षक स्कूल में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है कि सो रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, इस प्रकार का वीडियो एक प्रथम दृष्टया देख रहे हैं। हम लोग उसकी जो भी प्राथमिक जाँच है वो करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्कूल में जो स्कूल का समय है उसमें शिक्षक शिक्षण के कार्य में लगे, इसकी आगे भी व्यवस्था बनाई जाएगी।